शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों को नहीं किया गया सूखा राशन वितरण। छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र के आने वाले ग्राम बछेड़ा खेड़ा में शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों को मिलने वाला सूखा राशन नहीं दिया गया, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक के तानाशाही रवैये के कारण बच्चों को सूखा राशन नहीं दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल पनप रहा है। आर के सोनी की खास रिपोर्ट। रामपाल, क्या स्कूल में आप क्या पद पे हैं? अध्यक्ष पद में। अध्यक्ष पद में है, क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें? यहाँ गेहूँ नहीं बांटा गया। गेहूँ नहीं बांटा गया। और कितनी बोरियाँ आई थी आपके यहाँ? 19 बोरी वहाँ से शुरू हुई है। वहाँ से 19 बोरी आई थी, फिर इसके बाद कितना क्या हुआ? यहाँ 10 बोरी पाई गई, बाकी बोरी मास्टर ने अपना ले गया था, जहाँ ले गया हुआ। हाँ, वो ठीक है। और स्कूल में बच्चों को कितना वितरण किया गया? वितरण आपने यहाँ 70 बच्चे थे, कुछ बच्चों को नहीं मिला। हाँ, और जो बच्चे को मिला 10-10 किलो मिला हुआ। 10-10 किलो मिला हुआ। मैं प्रत्येक बच्चे में 15 किलो आता था। उसमें से जिन बच्चों को नहीं मिला है वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं आप? गल्ला कह रहे हैं? गल्ला हमारा कहाँ गया? हाँ, पूछ रहे हैं ना। चलो ठीक है। और कोई समस्या है आपकी? और क्या समस्या है? मास्टर लौट के तो बांटने आया नहीं, ना बोरी लेके आया। कुछ बच्चे अभी शेष हैं। शेष है, उनके हक का मास्टर खा रहा है। हाँ। मास्टर का क्या नाम है? मास्टर का नाम तो देवेंद्र नामन क्या। ठीक है। प्रधानाचार्य है ना? हाँ, प्रधानाचार्य अखिलेश। आगे पाल नहीं मिला, गेहूँ नहीं मिला। कितने में पढ़ते हो तुम? 3 में। गेहूँ नहीं मिलता? नहीं। हाँ, और बच्चों को, तुम्हारे जैसे बच्चों को, कितने बच्चों को नहीं मिला? 10-15 बच्चों को नहीं मिला। चलो ठीक है। और स्कूल कितने बजे खुला आज? आज खुला ही नहीं। आज खुला ही नहीं। नहीं खुला? नहीं। मास्टर आता है? आता तो बैठा रहता है दिन भर बैठा रहता है। टाइम से आता है? 10:30 बजे आता है कि 12-1 बजे आता है? कितने बजे आता है? 10-11 बजे के बाद आता है। आपका अखिलेश पाल नाम है?